मत्ती उसका 22 अध्याय 1 से लेकर 14 पद कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोजन में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर दिया। अब जब राजा अतिथियों को देखते भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए हैं। आमीन। 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 ये एक हमने इसको पढ़ा और इसका जो हेडिंग है वो है विवाह का भोज का दृष्टांत करके ना। और हम सब जन जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो काफ़ी बार दृष्टांतों के द्वारा या एग्जाम्पल के द्वारा वो लोगों को सिखाया करते थे ना। और यहाँ पर भी ये एक दृष्टांत है, ये एक उदाहरण है। और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से, मतलब स्वर्ग का राज्य किस तरह से है, कैसा है स्वर्ग का राज्य, उसके बारे में इस विवाह का भोज की तुलना किया हुआ है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राजा है और उसने अपने पुत्र का विवाह को ठहराया है और लोगों को उसने आमंत्रित किया है ना। और यहाँ पर हमने देखे कि लोगों को बुलाया है, बहुत सारे लोगों को जाकर उन्होंने, उसके सेवक लोगों ने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने उस जगह में नहीं आना चाहा ना, और किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ बर्ताव किया और वो उस विवाह के भोज में वो नहीं आए ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने उस जगह में फिर से उसके सेवक लोगों को भेजा और जो भी मिलेंगे बोला उन सभी को उस जगह में लेकर आओ ना। और मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम देखते हैं जब राजा अतिथि को देखने भीतर गया, 11 पद 12 पद पे हम जाकर देख पढ़ते हैं, तो उस जगह में बताया है कि जब अतिथि को देखने को गया और वहाँ पर उसने एक मनुष्य के अंग में उसने उस विवाह के वस्त्र को नहीं देखा ना। मैं आप लोगों का ध्यान मेरे प्रियो उसी जगह में लेकर जाना चाहती हूँ। हम सब जन जानते हैं मेरे प्रियो कि एक विवाह या यहाँ पर एक विवाह की बात हो रही है ना। लेकिन हम सब जन जानते हैं कि एक विवाह में किस तरह से जाते हैं लोग ना, चाहे विवाह हो या कोई बड़ा सा कुछ फंक्शन हो या बर्थडे हो या कोई भी एक अच्छा बड़ा कुछ कार्य है ना, कुछ पार्टी है, तो हम उसमें किस तरह से हम जाते हैं करके ना। और यहाँ पर बताया हम ऐसे ही उठकर चले जाएंगे क्या ना, मतलब हम एक शादी में जाना है, एक विवाह में जाना है या कुछ एक पार्टी है या कुछ बर्थडे ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस जगह में अपने आप को एक तैयारी के साथ भी हम उस जगह में जाते हैं मेरे प्रियो
ना एक तैयारी करके, कोई भी इस तरह से ना गरीब से गरीब क्यों ना हो ना, लेकिन हर कोई क्या करेगा अपने आप को वो उस जगह में जाने के लिए क्या करता है, उस पार्टी में या उस विवाह में या जहाँ पर भी उनको निमंत्रण दिया गया है उस जगह में जाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को, हर कोई अपने आप को तैयार कर कर उस जगह में जाते हैं ना, और अपने आप को तैयार करेंगे और उस जगह में वो जाएंगे, ताकि कोई भी ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद कि किसी को आमंत्रण किया हो और वो ऐसे ही नींद में से उठकर या किसी का जो हालत में है या जैसे भी वस्त्र में है ऐसे उठकर कोई भी विवाह में या कोई भी पार्टी में नहीं जाता है, हम सब जन जानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर विवाह का जो भोज है वो तैयार हो चुका है और राजा ने अपने बेटे का विवाह का भोज तैयार किया है और उसने लोगों को उस जगह में निमंत्रण भी दिया है, बुलाया भी है, लेकिन हम उस जगह में देखते हैं कि काफ़ी लोगों को जब बुलाया गया है तो लोगों ने अलग अलग बातों को कहकर ना अलग अलग चीज़ों को उनके साथ कर कर, सेवक लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव कर कर वो लोग उस आमंत्रण उस विवाह में वो शामिल नहीं हुए, वहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद राजा दोबारा जब लोगों को भेजता है और बोलता है कि जो भी तुमको उस जगह में मिलेंगे तुम उन सभी को लेकर क्या करो कि इस विवाह के भोज में उनको लेकर आओ, क्योंकि मैंने विवाह की क्या तैयारी मैंने कर चुका हूँ ना, और अपने पले हुए बछड़ों को मैंने काटा है, सब कुछ उस जगह में तैयार है, रेडी है ना, और उस जगह में उसने लोगों को आमंत्रित किया है और लोगों को उस जगह में उसके सेवक लोगों ने वहाँ पर लेकर आए हैं, और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो घर ना, एक शादी बोलने से हम सब जन जानते हैं कि उस जगह में बहुत सारा गर्दी होगा, बहुत सारे लोग होंगे ना, और वो माहौल पूरा शादी का हो चुका है, सब लोग उस जगह में जम चुके हैं ना, और लेकिन हम उस जगह में देखते हैं कि जब राजा उन लोगों को देखने के लिए या उस वो पिता जब उन लोगों को देखने के लिए गया कि जो लोगों को बुलाया गया है उनको जब देखने के लिए, उनको मिलने के लिए जब वो वहाँ पर जा रहा है, अंदर जब उसने प्रवेश किया तो वो एक व्यक्ति के ऊपर में देख कर वो बोलता है कि तूने विवाह के वस्त्र तूने क्यों नहीं पहने करके ना। मैं मेरे प्रियो आप लोगों का ध्यान उसी एक मनुष्य की ओर लेकर जाना चाहती हूँ कि राजा उसको पूछता है कि विवाह का वस्त्र तूने क्यों नहीं पहना ना। मैं सोचती हूँ कि ये विवाह का वस्त्र मतलब क्या हो सकता है ना, हम शादी में जाते हैं मेरे प्रियो, हम शादी में जाते हैं, हम वस्त्रों को, अच्छे वस्त्रों को हम ज़रूर पहनकर हम जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो शादी हो रही जो शादी का जो तुलना किया है वो स्वर्ग के राज्य के साथ मेरे प्रियो किया गया है ना, और वहाँ पर राजा पूछता है कि तूने उस विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये विवाह का जो तुलना है वो स्वर्ग के राज्य के साथ हो रही है ना, स्वर्ग के राज्य के साथ परमेश्वर ने किया है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है ना, और उस स्वर्ग के राज्य में अगर एक शादी होना है ना, हम सब जन जानते हैं कि हम काफ़ी बार बाइबल को पढ़ते हैं, आप लोगों ने वचन को सुना होगा, चर्चेस में आप वचनों को सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और वो एक दिन हमको लेकर जाने के लिए वो आएगा करके ना, वो हमारा दूल्हा है ना, और हम उसके क्या है, दुल्हन है, और वो हमको एक दिन अपने साथ में लेकर जाने के लिए ना वो एक दिन ज़रूर आएगा ना, और वो हमको उसके साथ में ना, मतलब हम स्वर्ग में उसके साथ में हम रहेंगे ना, हम सब जन जानते हैं मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना है ना मेरे प्रियो, हम सोचे कि वो विवाह का वस्त्र मैं जब सोच रही थी कि वो विवाह का वस्त्र क्या हो सकता है ना, तो मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि विवाह का वस्त्र मतलब वो स्वर्ग में जाने के लिए हमने पहना हुआ वो उद्धार का वस्त्र है मेरे प्रियो ना। मेरे प्रियो अगर
हमको स्वर्ग में अगर हमको प्रवेश करना है तो हमको जरूरी है कि हम हमारे हम हमने उस उद्धार के वस्त्र को हमने पहनावा चाहिए ना। हम हमने अपने आप को तैयारी हमारी हमको करना है ना। हमको शादी में अगर जाना है तो हमको अपने आप को तैयार करना होगा ना। हमको अपने आप को हमको रेडी करना होगा। हमको हम एक शादी में जाते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाते हैं ताकि हम उस विवाह में हम शामिल हो सके। यस मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा क्या है, दुल्हा है मेरे प्रियो ना। और हम सब मेरे प्रियो हम उसकी दुल्हन है ना। और वचन बताता है मेरे प्रियो कि हमको वो लेकर जाने के लिए आएगा एक दूल्हे के समान ना। वो आएगा और वो हमको क्या अपने साथ में ना लेकर जाएगा ना। हम काफ़ी बार हम वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि वो एक दूल्हे के समान आएगा ना। और जिसको वो तैयार हुआ हुआ वो देखेगा, उनको वो क्या करेगा, लेकर जाएगा ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये संसार की शादी है ना। इस संसार के शादी में अगर हमको एक शादी में अगर हमको जाना है तो अपने आप को तैयार कर जाना पड़ता है, अदरवाइज लोग हमको स्वीकार नहीं करते। अगर हम ऐसे ही उठकर चले जाएंगे तो लोग हमको शायद उस विवाह में शामिल नहीं होने देंगे, अंदर में हमको भीतर में शायद आने भी नहीं देंगे। उसी तरह से मेरे प्रियो, ये जो तुलना जो की है वो स्वर्ग के राज्य के साथ की गई है ना। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, आज हमको सोचना है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह अगर मेरा दुल्हा है, मैं अगर उसकी दुल्हन हो, जब मेरे प्रियो मैं केवल महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन मेरे प्रियो हम सभी, चाहे पुरुष है, चाहे महिलाएँ हैं, चाहे हम जो भी हम जवान हैं, हम सब यीशु मसीह की क्या है, हम दुल्हन है। और अगर हम उसकी दुल्हन है तो हमको उसकी अगर हम उसकी दुल्हन है, यीशु मसीह अगर हमारा दुल्हा है, तो हमको किस तरह से हमको अपने आप को तैयार करके रखने की ज़रूरत है ना। इस जगह में बताया है कि उस दुल्हा उस विवाह में वो शामिल हो गए, सब लोग आ गए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को देख कर राजा बोलता है कि तूने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं ना। शायद वो विवाह के वस्त्र, मैं बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि वो विवाह का वस्त्र शायद वो उद्धार का वो वस्त्र है जो हमको उस स्वर्ग के राज्य में हमको प्रवेश कराएगा ना। हमको अपने आप को हमको हर दिन प्रतिदिन हमको अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है कि हम क्या उस वस्त्र को पहनकर हमको रहना है ताकि जब यीशु मसीह आए एक दूल्हे के समान तो वो हमको तैयार पाए और हम उसके उस विवाह में हम शामिल हो सके मेरे प्रियो ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को देखकर राजा बोलता है तूने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं, और इसलिए बोल रहा है कि इसके हाथ पैर बांध कर उसको उस अंधकार में क्या करो, तुम डाल दो, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको बुलाया है ना, हम सब ने उसको जाना है। काफी बार हम सोचते हैं कि हमने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया, बस अब काफी है। मेरे प्रियो, उतना ही काफी नहीं है ना। हम काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हाँ मैंने प्रभु को जान लिया, अब बस हो गया सब कुछ ना। एक जानना काफ़ी नहीं है, लेकिन जानने के बाद हमको ज़रूरत है, हम उसको जानने के बाद उसके अनुसार ना हमको उसके पीछे में चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो ना। उद्धार का मैं बोलूँगी विवाह का वस्त्र मतलब उस उद्धार का वो वस्त्र है ना जो हमको प्रतिदिन हमको चेक करना है कि उद्धार ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि एक दिन हमने विश्वास कर लिया और हमने उद्धार पा लिया, वो नहीं है। लेकिन हमने विश्वास किया मतलब हमको उस विश्वास के प्रक्रिया में हमको प्रतिदिन हमको चलना है, हमको उस उद्धार का जो वस्त्र हमको जो मिला है उसको हमको
हमको प्रतिदिन हमको उस वस्त्र को हमको बनाए रखना है ना, उसमें हमको अपने आप को बनाए रखना है, उस वस्त्र को हमको हमेशा पहने रखना है ना। उद्धार मतलब ऐसा नहीं कि मैंने विश्वास किया और आज मैंने उद्धार पा लिया, मतलब अभी हमेशा के लिए मैंने मुझे उस उद्धार को मुझे मिल गया है, नहीं मेरे प्रियो। उद्धार मतलब हमको प्रतिदिन अपने जीवन को हमको चेक करना है, देखना है कि मैं आज कहाँ पर हूँ ना। काफ़ी बार हम सोचते हैं हमने विश्वास कर लिया, या मैं एक विश्वासी परिवार में हूँ, या मैं एक पास्टर का बेटा या बेटी हूँ, या मैंने विश्वास किया है और अभी मुझे मैं हो गया, अभी मैं विश्वासी बन गया और अब मैं आराम से उस स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश कर लूँगा करके ना मेरे प्रियो। अगर हमको स्वर्ग के राज्य में या उसकी हमको दुल्हन बनना है, उस विवाह में अगर हमको शामिल होना है, यीशु मसीह की दुल्हन अगर हमको बनना है, तो मेरे प्रियो हमको प्रतिदिन अपने आप को तैयारी करने की ज़रूरत है ना। जिस तरह से एक विवाह में हम जाते हैं, हम अपने आप को तैयार कर जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से हम अपना श्रृंगार करते, केवल लेडीज़ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन पुरुष भी ना अपने आप को तैयारी करते हैं, रेडी करते हैं कैसे हम अच्छे सही दिखे ताकि हम उस विवाह में शामिल हो। यस मेरे प्रियो, उसी तरह से हम यीशु मसीह की दुल्हन है मेरे प्रियो, और अगर हमको उस विवाह में, उस स्वर्ग के राज्य में अगर हमको प्रवेश करना है मेरे प्रियो, तो हम सोचें कि आज हमको कैसे हमको तैयार होने की ज़रूरत है, हम कैसे अपने आप को तैयार करें, हम कैसे अपने आप को आपको तैयार करें कि जब यीशु मसीह आए तो हमको देखकर वो हमसे खुश हो ना, वो हमको उसके साथ लेकर जाने के लिए वो तैयार हो जाए ना। हम वो चुने हुए ना, हम केवल बुलाए हुए नहीं, लेकिन हम वो चुने हुए वो पात्र हम ठहरे ना। हम सोचे कि हम कैसे इस विवाह में, अगर हमको स्वर्ग के राज्य में अगर हमको प्रवेश करना है मेरे प्रियो, तो हमको किस तरह से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है ना। हम बाहरी रूप से हम विवाह में जाते हैं तो तैयार होते हैं ना, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ों को हम अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, बालों को बनाते हैं, अलग अलग तरीके से हम तैयार करते हैं ताकि हम उस विवाह में हम जाए करके ना। लेकिन हम जब यीशु मसीह की अगर हम दुल्हन है, हमको उस स्वर्ग के राज्य में अगर हमको प्रवेश करना है मेरे प्रियो, तो हम सोचे कि हमको अपने आप को किस तरीके से ना, मैं बाहरी तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ मेरे प्रियो, लेकिन मैं आत्मिक तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि हमको अपने आप को हमको कैसे तैयार करना है ना मेरे प्रियो। हम बाहर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर बाहरी स्वरूप को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वो हमको अंदरूनी तरीके से देखता है कि हम कैसे हैं मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, और आज अगर हमको तैयार होना है, हम चाहते हैं कि हम उस राजा के पुत्र के भोज में, मतलब यीशु मसीह के विवाह में अगर हम शामिल होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हमको ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयारी करें। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक शादी के लिए हम अपने आप को अलग अलग चीज़ों से तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको तैयार होने के लिए मेरे प्रियो हमको इस बाइबल को दिया है कि हम किस तरह से उस स्वर्ग के राज्य में या यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए या यीशु मसीह के उस विवाह में हम कैसे हम शामिल हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने इस बाइबल को रखा है मेरे प्रियो, और हमको ज़रूरत है कि हम बाहरी तरीके से नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ना हो दो मत, आप ऐसे ही बैठो, लेकिन हमको अपने आप को मेरे प्रियो इस वचनों से हमको सुसज्जित होने की जरूरत है मेरे प्रियो। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमको बताता है मेरे प्रियो कि हम कैसे तैयार होए, किस तरह से हम रहें, कैसे हम प्रेम करें, कैसे हम क्षमा करें, कैसे हम आदर करें, कैसे हम पवित्र रहे, कैसे हम निष्कलंक रहे ना, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो ना।
तुम अपने बड़े लोगों का आदर करो, जो भी एक दूसरों से प्रेम करो, अपने अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, क्षमा करो। बहुत सारी अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रतिदिन मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं कि हमको काफ़ी चीज़ों को इस जगह में सीखने के लिए मिलती है, और हमको इसको पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमको कौन से जगह में कहाँ पर हमको और भी बदलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो ना। तो हमको तैयार होना है वो प्रभु के वचनों से मेरे प्रियो, हमको तैयार होने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करना है, हमको अपने आप को देखना है प्रतिदिन, क्या वो उद्धार का वस्त्र क्या आज भी मैंने पहना है क्या न, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे उस उद्धार के वस्त्र को छेद करती है, या मेरा उद्धार का वस्त्र मेरे से छीन लिया जा रहा है, या वो उद्धार का वस्त्र मेरा उतर तो नहीं गया है न। आज आज हमको ज़रूरत है कि हम अपने आप को चेक करें कि मैं सचमुच मैंने उस उद्धार के वस्त्र को क्या आज भी मैंने पहना हुआ है क्या ना, क्या मैं सचमुच मेरे जीवन को मैं सही तरीके से मैं चल रहा हूँ क्या ना। उद्धार मतलब एक बार का पाना नहीं है मेरे प्रियो, वस्त्र उद्धार का वस्त्र पहनना मतलब एक बार में तुमने विश्वास किया और तुम विश्वासी बन गए नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमको प्रतिदिन अपने आप को मेरे प्रियो हमको चेक करना है कि मैं सचमुच उस परमेश्वर के उस रास्ते पर न, जिस तरह से परमेश्वर की सीख है, शिक्षा है, जो परमेश्वर हमको चाहता है, हमको जीने के लिए बताता है, क्या सचमुच मैं उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं क्या, मेरा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ है क्या, मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर खुश होता है क्या, मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर आनंदित होता है क्या, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है क्या। यस मेरे प्रियो, अगर मेरे जीवन हमारे जीवन से अगर परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है, उसको महिमा मिलती है, तो मेरे प्रियो हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने उस उद्धार के वस्त्र को मैंने पहना हुआ है, और हम उस भोज में, उस विवाह में मेरे प्रियो हम प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन तब जब हमने अपने आप को तैयार किया है, हमने उस उद्धार के वस्त्र को हमने पहना है। उद्धार का वस्त्र को पहनना मतलब मैं बोलूँगी कि उन तमाम बातों को हमको करना है, हमारे जीवन में दिखना चाहिए वो परिवर्तन, वो चेंज, जिस तरह से परमेश्वर का वचन बोलता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम बनो। मेरे प्रियो हमको भी ज़रूरत है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन को चेक करें कि मैं कहीं पर गलत तो नहीं हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें मुझे परमेश्वर के निकट जाने से रोक तो नहीं रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी परमेश्वर के निकट या उसके समान बनने के लिए मुझे रोकती है। हमको ज़रूरत है हम प्रतिदिन हम अपने आप को चेक करें, और हमारे उद्धार को हमको हमको टिकाए रखना है, हमको उस उद्धार में हमको बने रहना है मेरे प्रियो। और तभी हम बने रहेंगे जब हम परमेश्वर के रास्ते पर ना, उसके वचनों के अनुसार ना, अपना जीवन एक पवित्र जीवन हम बनाकर रखेंगे, एक सही रास्ते पर, एक सही तरीके से परमेश्वर को भावता हुआ जब हम जीवन जिएंगे, तो मेरे प्रियो हम उस उद्धार के वस्त्र को, मैं बोलूँगी कि हमने उस उद्धार के वस्त्र को या उस विवाह के वस्त्र को हमने पहना है, और परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन को देखकर आनंदित होगा, खुश होगा, और उस विवाह में, उस स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर हमको लेकर जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन ज़रूरत है हम अपने आप को चेक करें, क्या सचमुच मैंने अपने आप अपनी तैयारी मैंने कर चुका हूँ क्या ना। मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी मैं वचन को शेयर करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ये मेरे प्रियो ये समय है जो है कि ये अनुग्रह का समय है, हमको ये अनुग्रह मिला है कि हम अपने आप को उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हम श्रृंगार करें, ताकि जिस तरह जब जब यीशु मसीह आए तो हमको देख कर वो खुश होए, वो प्रसन्न होए। ये अनुग्रह का समय है हमारे लिए कि हम अपने आप को तैयारी करें कि परमेश्वर हमको देखकर खुश हो सके ना। तो ये समय हमारे पास है कि हम अपने आप को तैयार करें, उस वस्त्र को मेरे प्रियो हमको पहनना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसको पसंद आए ना, वो हमको देखकर खुश होए, ना कि ऐसे कि जिस तरह से वचन बताया है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो हमको बुलाए हुए नहीं बनकर रहना है, केवल हमको विश्वास ही
मतलब मैंने विश्वास किया, हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, उतने में हमको सीमित नहीं रहना है, लेकिन हमको जिस तरह से वचन बताता है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, हमको उस चुने हुए में हमको क्या करना है, जाना है ना। बुलाया तो सबको था ना, बहुत सारे लोगों को, सभी को लेकर आए, लेकिन उसमें से चुने हुए कुछ ही थे ना। उसी तरह से मेरे प्रियो, हम लोग भी ये नहीं कि हमने यीशु मसीह को जान लिया मतलब सब कुछ हो गया ना, हमको चूज किए हुए लोग हमको बनने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर हमको देखकर खुश होना चाहिए, और हमारे लिए वो बात ना हो कि परमेश्वर कहे कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है, लेकिन हमको उस चुने हुए में हमको शामिल होना है मेरे प्रियो। और अगर हम चुने हुए में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो हमको अपने आप को तैयार करना है, उसके विवाह के भोज में हमको अगर शामिल होना है, हमको जाना है उस स्वर्ग के राज्य में, अगर हमको जाना है तो मेरे प्रियो हमको निश्चित हमको तैयारी करने की जरूरत है। और उस तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने हमको एक तोहफा बोलूंगी, एक गिफ्ट बोलूंगी कि परमेश्वर ने हमको इस बाइबल स्वरूप में हमको दिया है, कि हमको यहाँ पर देखने से, इसको पढ़ने से मेरे प्रियो हमको समझ सकता है कि कहाँ पर मुझे अभी भी अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन सी ऐसी बातें मेरे जीवन में हैं जहाँ पर मुझे और भी बदलने की ज़रूरत है, मुझे और भी अपने जीवन में परिवर्तन, एक चेंज को लाने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और बाइबल जितना आप पढ़ेंगे, आप अपने आप को जिस तरह से बोलते हैं ना कि हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, मेरे प्रियो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को हम देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर मुझे बदलने की या और भी मुझे तैयार होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और ये बाइबल ही हमको एक सही तरीके से, हमको किस तरह के तरीके से तैयार होना है या अपने आप अपने मुझे किस तरह से उस उद्धार के वस्त्र को पहनना है या कैसे मैं तैयार हूँ, ये मुझे बाइबल बताती है मेरे प्रियो। और हमको ज़रूरत है कि हम जितना इसको पढ़ेंगे, आप अपने आप को देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं प्रभु आज मुझे करने को या बदलने को या मेरे जीवन में उसको अप्लाई करने को आज परमेश्वर बोल रहा है। और जिस दिन हम मेरे प्रियो इसके अनुसार अपने आप को तैयार करना शुरू करेंगे, मैं बोलूँगी कि आपने अपने उद्धार के वस्त्र को पहना है। उद्धार में मेरे प्रियो हमको बने रहने की ज़रूरत है, और प्रतिदिन इसलिए उस उद्धार में बने रहने के लिए प्रतिदिन हम अपने बाइबल को पढ़ें, अपने आप को चेक करें, जैसे हम शीशे में अपने आप को देख कर हम चेक करते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसा हूँ, उसी तरह से आप इस बाइबल को पढ़े और अपने जीवन को आप चेक करें कि कहाँ पर आप कैसे दिख रहे हैं और कहाँ पर आपको अभी भी अपने जीवन को तैयार करने की या अपने आप को श्रृंगार करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे क्षेत्र आज भी हमारे जीवन में जो प्रभु के निकट या उसके सामने आने के लिए हमको रोकती है, वो हम आज इसके द्वारा हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको आशीष दे इस वचन के अनुसार, और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और समझने के लिए हमारी सहायता मदद करे। और मेरे प्रियो मैं यही बोलूँगी कि ये अनुग्रह का समय है, आप जितना बाइबल पढ़ेंगे और जितना इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही आशीषित करेगा। और परमेश्वर के उस उद्धार के वस्त्र में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बने रहिए, जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाए रखेंगे, मैं बोलूँगी कि आप उद्धार के रास्ते में या उद्धार के वस्त्र को आपने पहना हुआ है ना। और परमेश्वर